हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक नई वीडियो में। आज का टॉपिक है फिंगरप्रिंट लॉक सेट कैसे करें। और फ्रेंड्स, मेरे पास है ओप्पो का फ़ोन। और फ्रेंड्स, अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर रहे, चैनल को सब्सक्राइब करो। फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं। एंड यहाँ देख सकते हैं फिंगरप्रिंट का ऑप्शन है, और कैसे सेट करते हैं वो बताऊँगी। और फ्रेंड्स, मेरे पास ओप्पो का फ़ोन है। फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको सेटिंग को ओपन करना है। सेटिंग को ओपन करने के बाद आपको इस प्रकार से इंटरफेस आएगा, और इसके बाद आपको पासवर्ड के ऑप्शन पर क्लिक करना है, और आपको इधर आएगा ऐड फिंगरप्रिंट। और फ्रेंड्स, अगर आपने स्क्रीन लॉक सेट नहीं कर रखे हैं तो आपका स्क्रीन लॉक सेट करने का पहला ऑप्शन आएगा, जब आप उस पर क्लिक करते हैं तो फ्रेंड्स आपका, अगर आपने स्क्रीन लॉक सेट कर रखी तो स्क्रीन लॉक ड्रॉ करने का ऑप्शन आएगा। स्क्रीन लॉक में आप कोई सा भी लॉक लगा रखें, आप पिन लॉक लगा रखे तो टाइप करेंगे, एंड पैटर्न लॉक लगा रखे तो ड्रॉ करेंगे, एंड आप फिंगरप्रिंट ऐड आ फिंगरप्रिंट पर क्लिक करेंगे, एंड आपका स्क्रीन लॉक का ऑप्शन आएगा तो आप उसको ड्रॉ करेंगे, और इसके बाद आपका और फिंगरप्रिंट का ऑप्शन आएगा। तो उसके बाद फिंगरप्रिंट इस प्रकार से टच करेंगे। मैं ये वाला फिंगर टच कर रही हूँ, बार बार टच करेंगे जब तक आपका पूरा कंप्लीट ना हो जाए। इस प्रकार से टच करेंगे, और इसके बाद आपको उस पर क्लिक कर देना है। फिर से आप टच करेंगे जब तक ये पूरा ना हो जाता है। एंड इस प्रकार से टच करने के बाद आपका कंटिन्यू का ऑप्शन आता है, एंड आपका सेट हो चुका है। यहाँ देख सकते हैं डिलीट का ऑप्शन तभी आता है जब आपका सेट हो जाता है। एंड आप अगर आप कमेंट में मेरे को आता है कि मतलब ये कमेंट आता है कि अगर आपका एक फिंगर से आप लगाते हैं तो आप दूसरे फिंगर का भी लगा सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि आप सोचते हैं एक ही फिंगर से लगा सकते हैं इसमें, और दूसरा फिंगर भी आप लगा सकते हैं, 10 उंगलियों को लगा सकते हैं आप चाहे तो। और फ्रेंड्स, आप इस पर क्लिक करेंगे ऐड अ फिंगरप्रिंट पर, तो उसके बाद आपका मतलब तीसरा फिंगर लगाएंगे इस प्रकार से। एंड जब टच करेंगे तो आपका फिंगरप्रिंट का ऑप्शन आएगा, तो दूसरा फिंगर का भी इसी प्रकार से टच करते रहेंगे। एंड इसके बाद आपका फिर से टच हो जाएगा, देख सकते हैं मतलब सेट हो जाएगा। फिर से कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं, एंड इसके बाद फिर से ड्रॉ करें, फिर से टच करेंगे, तो इस प्रकार से आप अपने फ़ोन में टू फिंगर और जितने मर्जी फिंगर का लगा सकते हैं। और देख सकते हैं फिंगरप्रिंट 1 एंड 2 आ गया है। और ये 1 है मेरा, इससे एक इस वाले फिंगर से टच करी, एक इस वाले से बीच वाले उंगली से। एंड यहाँ देख सकते सेट हो चुका है दोनों, और मैं आपको दोनों सेट करके बता चुकी हूँ, क्योंकि कमेंट में कई कमेंट आते हैं कि आप एक ही फिंगर का लगाते हैं तो दूसरे फिंगर का भी लगा सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं, आप जितनी उंगली का लगाना चाहेंगे आप लगा सकते हैं। एंड इसे होम करेंगे, फिर देखेंगे सेट हुआ है या नहीं। तो आप स्क्रीन ऑन करेंगे, स्क्रीन लॉक देख सकते हैं सेट है। अब मैं ये टच कर रही हूँ बैक साइड में, और यहाँ देख सकते हैं ओपन हो चुका है। और इसके बाद फिर से मैं अब ये वाले फिंगर का इस्तेमाल करती तो फिर से आपका ओपन हो चुका है। तो इसी प्रकार से आप अपने फ़ोन में फिंगरप्रिंट लॉक को सेट कर सकते हैं, और जितने मर्जी फिंगरप्रिंट को लगा सकते हैं आप, मतलब कोई से भी उंगलियों का। तो फ्रेंड्स, आई होप आप सीख चुके किस प्रकार से फिंगरप्रिंट लॉक सेट करते हैं। फ्रेंड्स, तब तक नमस्कार।